महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, तस्मा तड़ागे सद वृक्षारोप्याः श्रेयोर्थिना सदा पुत्रवत परिपाल्याश्च आस्ते धर्मतः स्मृताः। यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए सदा ही उचित है कि वो अपने खुदवाए तालाब के किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए और उसका पुत्र के समान पालन करे, क्योंकि वे वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र और वृक्ष एक ही हैं। कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर जिसका वर्तमान उतना ही समृद्ध है। वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत करने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचे। दुनिया के लिए रात अंधेरी रही होगी, लेकिन कोटा के लोगों के लिए विहान हो रहा था। रात के 3 बजते-बजते स्टेशन पर लोग जमा होने लगे। सबको इंतजार था एक ट्रेन का। दुरंतो गाड़ी आने के साथ सारा स्टेशन गूंज उठा। यहां की जनता ऐसे मिल रही है, इनका सीधा सरोकार अपने सांसद से जो है। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के बाहर निकलने तक और आगे भी ओम बिरला की गूंज। हमने पूछा, रात के 3 बजे भी लोग ऐसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा, जो जनता यहाँ दिख रही है वो सचमुच में जनार्दन ही तो है। ये तो वर्षों तक हमारे कार्यकर्ताओं का प्यारा था, यहाँ पर इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और इनके सहयोग से स्नेह से आशीर्वाद पे कोटा से दिल्ली तक की जो दूरी हुई, इस दूरी पहुँचने में इन्हीं कार्यकर्ताओं के सहयोग और आशीर्वाद का परिणाम है। लोग देखने के लिए और मिलने के लिए उमड़ रहे थे। कार्रवाई को लेके पूरे देश में चर्चा है, लंबे समय के बाद इतनी सिलसिलेवार सदन करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सभी जनप्रति अपने अपने इलाके के अभावों को, समस्याओं को सदन के माध्यम से उठाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सदन में मौका मिलना चाहिए कि अपने इलाके के लोगों को, इतनी बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इस सदन में मौका मिले। ओम बिरला सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 16वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद रहे। वर्ष 2003, 2008 और 2013 में 12वीं, 13वीं और 14वीं राजस्थान विधानसभा में कोटा एवं कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रहे। वर्ष 2004 में 12वीं राजस्थान विधानसभा में प्राकलन समिति क के सदस्य रहे। वर्ष 2009-2010 में राजकीय उपक्रम समिति सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री ओम बिरला जी। ओम कृष्ण बिरला कोटा के सांसद जो अब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। दिल्ली में संसद से स्वच्छता का संदेश देने के बाद अब बारी थी हरियाली की, जो संदेश अब कोटा से हर ओर जाना है। उमस भरी गर्मी दबे पांव कोटा पहुंची
तो हरियाली के जरिए उसका निदान लेकर कोटा पहुंचे ओम बिरला। कोटा के दशहरा मैदान में नगर निगम ने जल शक्ति और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था। सूरज सिर पर चढ़ा था, लेकिन आंखों में दूर इंतजार कर रही हरियाली की आस जगी थी, इसलिए लोग हर ओर से जुटे थे। व्यवस्था चौकस थी। एक अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व, जिन्हें जिस तरफ से भी हम देखते हैं, एक नवीनता उनमें आती है। और जिस तरह से लोकसभा की समूह लागने पर भी क्षेत्र के विधायक लगाकर भी बालिकाएं माननीय श्री ओम बिरला जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। आज का ये समूचा वातावरण एक हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। कोटा वासियों ने स्वागत के कई आयाम जोड़े। भारत के लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि आज सारा विश्व जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता में है। उन्होंने कहा इस समस्या का निदान है सिर्फ हरियाली। ये संपूर्ण विषय आज जलवायु परिवर्तन से चिंतित है और संपूर्ण देश में इस बात की और विश्व में भी इस बात की चिंता है कि इस जलवायु परिवर्तन से जिस तरीके का सभी देशों के अंदर व्यापक परिवर्तन प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए कई स्तर पर अलग अलग समय पर विश्व के अंदर इस बातों के लिए चिंता व्यक्त की है। भारत एक हमेशा संस्कृति और पर्यावरण को बचाने का देश रहा है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां मूक पशु की भी पूजा करते हैं और इस देश के अंदर हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, और इसलिए हमारी संस्कृति और संस्कार हमेशा पर्यावरण बना रहे, ये हमारी संस्कृति और संस्कार रहे। घटते जल स्तर को लेकर उन्होंने संसद में हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पानी बचाने की तैयारी हो रही है। जब संसद में इस बात की चर्चा होती है तो कोटा शहर में भी आज इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हर बच्चा, हर परिवार का सदस्य कहां मुझे पेड़ लगाना है, कहां उस पेड़ को सुरक्षित रखना है, और जब तक वह पेड़ सुरक्षित नहीं हो जाए जब तक हमारे प्रयासों को करना है। अगर हम सब मिलकर इस प्रयासों को करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, और मुझे कोटा की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि जब कोटा की जनता सामाजिक संकल्पों को लेकर चलती है तो अच्छे अच्छे परिवर्तन कर देती है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश में पर्यावरण के लिए आंदोलन खड़ा करना जरूरी है। जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे एक जन आंदोलन यहां का मिले, हर गली मोहल्ले गांव ढाणी के अंदर लोग पर्यावरण के लिए पेड़ लगाते हुए चले और पेड़ पे अपना नाम लिखकर कि इस पेड़ को मुझे सुरक्षित रखना है, 5 साल जब तक ये पेड़ बड़ा न हो जाए जब तक इस पेड़ को ठीक से बचाना है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत कोटा में वृक्षारोपण के साथ हो रही है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि देश के अंदर जितनी अच्छे पेड़ हो सकते हैं जो इस कोटा के भौगोलिक वातावरण के अनुकूल होंगे, मैं अगले 6 महीने के अंदर उन सबका एक अध्ययन कराने के बाद यहाँ पर जितनी भी अच्छी एजेंसी हो उनका सर्वे कराकर जहाँ जहाँ भी इस शहर के अंदर हरा भरा हो सकता है, आप निश्चित मानिए जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो देश का सबसे हरा भरा शहर
कोटा शहर होगा और लोग कोटा शहर को देखने आएंगे कि ये सबसे अच्छा हरा भरा शहर भी है और सबसे ज्यादा एक एक पानी की बूंद को बचाने वाला शहर भी है। नगर निगम के महापौर महेश विजय ने ओम बिरला के व्यक्तित्व के बारे में बताया। इस खान से एक हीरा निकला और जिसने कोटा शहर का नाम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में ज्ञापित किया। कभी यह हड़ौती की धरती सूरवीर राणाओं के नाम पर जानी और विख्यात रही है। आज राजनीति में कार्य करते हुए माननीय ओम जी बिरला ने अपनी कर्मठता, अपने जुझारूपन से हिंदुस्तान की संसद में सर्वोच्च पद प्राप्त कर कोटा का मान, कोटा का स्वाभिमान और कोटा को अभिमान दिलाया। ये कार्य का सम्मान है, गतिविधियों का सम्मान है, हम भी इस तरह से जुड़े। इस अवसर पर हरियाली के लिए काम कर रहे लोग लोकसभा अध्यक्ष के हाथों सम्मानित हुए। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने नीम का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। अपने सांसद के साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के कई विधायकों ने भी वृक्षारोपण किया, साथ ही अन्य लोगों ने भी हरियाली के लिए अपना योगदान दिया। देश की भावी पीढ़ी यानी बच्चे भी उत्साह के साथ अभियान के वाहक बने। लोग अपने अपने घर के लिए भी पौधे ले जा रहे थे। हरियाली सबको रास आई, हर कोई इस क्षण को यादगार बनाना चाहता था। पिछले लोकसभा चुनाव में ओम बिरला जीते और सांसद बने। इस बार जीत हुई तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते बात दूसरी हो गई, जिसका भान कोटा ही क्या पूरे देश में शायद किसी को नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, आवास पर लोगों का, कार्यकर्ता और आम जनता का हुजूम था। कोटा कर्मचारी सहकार समिति लिमिटेड 108R ने पूरी सफलता के साथ अपने 99 साल पूरे किए। इस सहकार समिति की वार्षिक आम सभा और समारोह में शामिल होने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोगों ने उनका अभिनंदन किया। मंच पर पिता श्री कृष्ण बिरला भी मौजूद थे, जो इस सहकार समिति के समारोह के अध्यक्ष थे। भगवान बाबूजी को बहुत लंबी उम्र दे और ये सोसाइटी का भी भविष्य इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा हो, यही मैं कामना करता हूँ। बाबूजी का जो आशीर्वाद है और जो संस्कार है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उसके सदस्यगण हैं, वो उससे प्रेरित होकर लोगों को उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं। परंपरा के अनुसार सरस्वती वंदना की प्रस्तुति हुई। सहकार गीत से लोगों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सहकारी समितियों के योगदान पर चर्चा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में सहकारिता की बड़ी भूमिका रही है। इस देश में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सहकारिता आंदोलन इस देश में नहीं, विश्व के करीबन 124 देशों के अंदर
सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है और कई देशों के अंदर तो उस देश की तमाम अर्थव्यवस्था सहकारिता के माध्यम से चलती है। जिस भी देश के अंदर एक सफल सहकारिता आंदोलन है उस देश के अंदर गांव से लेकर शहर तक एक आर्थिक मजबूत ढांचा भी रहा है, रोजगार के अवसर भी सृजन होते हैं और उस देश के अंदर बेरोजगारी की अगर कमी आती है तो उसका एकमात्र कारण सहकारिता आंदोलन है। मैं सारे विश्व के अंदर कई देशों के उदाहरण दे सकता हूं, जिस देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत है वहां पर बेरोजगारी नहीं है, वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था मानव संसाधन के ऊपर निर्भर है और हर जगह एक छोटे लघु कुटीर उद्योगों के रूप में वो देश का आर्थिक विकास का पहिया तेजी से घुमा है। ओम बिरला ने देश में हुए मशीनीकरण को यहाँ की प्रकृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ बताया और कहा कि धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। बीच के कालखंड में हमने विदेशों की नकल करने के कारण खुली अर्थव्यवस्था, आधुनिक मशीनों का युग के कारण धीरे धीरे एक युग ऐसा आया जिस समय अधिकतम बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ी, क्योंकि इस देश के अंदर मानव संसाधन की कमी नहीं है। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी आबादी का देश है, हमारा देश आज भी सबसे देश नौजवान देश है और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां ग्रामीण लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार मिले, रोजगार का सृजन हो और यही अर्थव्यवस्था भारत के अंदर बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सबसे कारगर होती है। उस बीच के कालखंड के कारण हमें नई आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने गुजरात और बंगाल में सहकारी समिति के सफल प्रयोग की चर्चा की और कहा बेरोजगारी हटाने की दिशा में ये कारगर हो सकता है। मैं जब गुजरात में गया तो गुजरात में एक श्वेत क्रांति के रूप में आंदोलन चला, बंगाल में गया तो नील क्रांति का आंदोलन चला, अब गुजरात के हर गांव में चले जाओ, वहां हर गांव के अंदर दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, कोई 10 किलो दूध लाता है, कोई 15 किलो दूध लाता है, 5 किलो दूध लाता है, लेकिन उसके कारण उस गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत हुआ, रोजगार के नए सृजन मिले और धीरे 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 एक श्वेत क्रांति के रूप में एक अमूल का उदय हुआ और अमूल एक संगठन के रूप में, सभी डेयरियों के संगठन के रूप में स्थापित होकर मार्केटिंग करने का, प्रोडक्ट बनाने का काम करने लगा। जहां जहां भी शुगर फैक्ट्री थी, जहां भी मत्स्य पालन थे, अभी पश्चिम बंगाल में मैं कई बार लगता है कि बहुत बेरोजगारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के आप गांव में जाओगे तो गांटर गांव के अंदर भी मछली पालन उद्योग के कारण वहां मजदूर 300 से 400 रुपया रोज आज भी कमाने की शक्ति है, तो सहकारिता आंदोलन के कारण। उन्होंने कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108R के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसकी चर्चा वे अगले साल संसद में भी करेंगे।
जब समिति के 100 साल हो रहे होंगे। ये सभा नंबर 108 भी उसी समय की एक सहकारिता समिति है, जहां पर 99 वर्ष होने के बाद भी 1 रुपए की डूबत नहीं हुई, जो अपने आप में सहकारिता आंदोलन की ताकत को झलका। इसके अगले वर्ष 100 साल होने वाले, जब इसके 100 साल होंगे तो दिल्ली की संसद में सहकारिता आंदोलन के उदाहरण दूंगा, उसमें जितने भी सहकारी समितियों के 100 वर्ष हुए जिसमें डूबत नहीं हुई, ऐसे उदाहरण देकर जो सहकारिता आंदोलन की जो छवि बन रही थी कि सहकारिता आंदोलन गबन घोटाले का एक आंदोलन है, उसकी छवि को दुबल करना पड़ेगा। और एक अच्छी सहकारी समितियां जहां बिना डूबत के जिन्होंने लोगों की आवश्यकताओं में ऋण देकर सूदखोर ब्याजखोरों से मुक्त कराने का काम किया, तो इस देश में सहकारिता आंदोलन। इस अवसर पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का विशाल माला के साथ अभिनंदन किया गया। अभियान क्षेत्र कार्यक्रम के बाद अब बारी थी चौथे स्तंभ यानी मीडिया की। सुचारू रूप से संसद को चलाने को लेकर ओम बिरला चर्चा में हैं, और यहां भी प्रेस का पहला प्रश्न यही था। लोकसभा तो एक नियमित प्रक्रिया है जो संसदीय प्रक्रिया नियमों से चलती है, और सभी दल सभी जनप्रतिनिधि मिलकर लोकसभा के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और निर्बाध रूप से संसद चले ऐसा सभी के साथ मिलकर इस बार प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद सवाल शुरू हुए कोटा से। जवाब में ओम बिरला ने कहा कि जल्द कोटा में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। कोटा में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की भी उन्होंने चर्चा की। कोटा में आईआईटी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर काम कर रही है। उन्होंने कोटा वासियों से स्वच्छता और हरियाली को आंदोलन बनाने की अपील की। हवाई सेवाएं कोटा की बहुत पुरानी मांग है, और नया एयरपोर्ट बने ये कोटा की बहुत पुरानी मांग है, और इसके लिए एक जॉइंट टीम एयरपोर्ट अथॉरिटी की और राज्य सरकार की बहुत जल्दी सर्वे करने आएगी, और जो जो राज्य सरकार नए एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताएगी, दोनों मिलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार उपयुक्त जमीन चिन्हित करने के बाद मुझे आशा है कि शीघ्र ही नए एयरपोर्ट के रास्ते का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के लिए यहाँ के प्राचार्य दिल्ली आए थे, मैंने इसी अगस्त तक केंद्र सरकार के सभी मामलों निस्तारण करने के निर्देश दे दिए गए। ट्रिपल आईटी के मामले में माननीय मंत्री जी को कहा है कि एक बार राज्य सरकार से वार्ता करके और इस सारे प्रोजेक्ट को 3 महीने में निस्तारण करें, ताकि ट्रिपल आईटी का जो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से जयपुर चल रहा है
इसको शीघ्र कोटा से कैसे चलाया जा सकता है, इसके लिए संबंधित मंत्री से बात करके मैंने उनको कोटा बूंदी लोकसभा की जनता ने जो प्यार दिया है, हम चाहते हैं कि सामाजिक सरोकार के माध्यम से इस शहर को एक हरा भरा, एक स्वच्छ शहर बना सके। और मेरी कोशिश होगी कि इस 5 वर्ष के अंदर, हम काम आज से शुरू करेंगे, लेकिन 5 वर्ष के अंदर इसको हम एक हरा भरा शहर बनाने में कामयाब होंगे। कोटा की जनता से आग्रह भी करेंगे कि बिना जन आंदोलन के हम इस शहर को हरा भरा नहीं बना सकते, लेकिन मुझे विश्वास है, भरोसा है कि 5 साल में इस शहर को आप देश का सबसे हरा भरा शहर पाएंगे। क्षेत्र के लोग अपने सांसद से मिल रहे थे, कोई गुलदस्ता लेकर आ रहा था तो कोई फूलों की सौगात, किसी के पास कामों की लंबी सूची थी तो किसी के पास अपने काम के कागजात। और इधर दिल्ली में भी प्रतीक्षा हो रही थी, आसन को हरेक कार्यवाही का साक्षी जो होना था, इसलिए खुशी खुशी फूलों की वर्षा के साथ कोटा स्टेशन पर एक बार फिर चहल पहल शुरू हुई। और अब दिल्ली की